खुशामदीद। आदाब। अच्छा। खुशामदीद। आए आए, तशरीफ रखें। बैठे। आए, तशरीफ रखें। आए, जी बैठे। आई आई ऐजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे, तशरीफ लाए। अख्तर महमूद इब्ने आरिफ महमूद, आपके निगास चैनाज बानो बिन के महरूम तालिक अली बेग के साथ बेवजह मौजल नक्त मेहर 5 लाख रुपया सिक्का रायजुल वक्त के दो गवाहन के आपके निगाह में देनी, आपके कबूल बा? जी हम कबूल करनी। आपके कबूल बा? जी हम कबूल करनी। आपके कबूल बा? हम कबूल करनी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो। सहनाज बानो बिनते मरहूम तारिख अली बेग, आपके निगाह अख्तर महमूद इब्ने अख्तर तारिख महमूद के साथ बेवजह मेहरे मौजल 5 लाख सिक्के राजुल वक्त दो गवाह वकीलन की मौजूदगी में आपके निगाह में दे लें, का आप कबूल कर ली? आप कबूल कर ली? आप कबूल कर ली? बोला शहनाज। आप कबूल कर ली? बोला शहनाज। शहनाज, शहनाज, शहनाज! ना! ये क्या हो गया शहनाज के? शहनाज। कोनो बात बका? शहनाज, देखा है के? शहनाज। कहाँ हो गेल? शहनाज, शहनाज, शहनाज। या अल्लाह। या अल्लाह। शहनाज, तू मर गई? बेटा अख्तर, शहनाज के मौत के सदमा हमने सबके खातिर कोनो हादसा से कम ना। बाकी बेटा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में होला, हमने इंसान के ना। हमने ओकर मर्जी के आगे बेबस बानी बेटा। अफसोस अपना बेवसी के ना हामी, अफसोस तो इ बात के हकीब शहनाज ऐसन काहे कैलस।
अगर ओकरा के रिश्ता मंजूर ना रहल तब साफ तौर पर इनकार कर सकत रहल, ओके तो पूरा हक रहल, मजहबी एतबार से ही गलत ना रहल, लेकिन वो तो जब तमाम रस्म पूरी हो चुकल तो ऐन निकाह के वक्त ओकर खुदकुशी करब हमरा खातिर वो पहली बन के रखे। अम्मी हमके तो आज भी उदी नहीं आत पा, जब पहली बार जब हमने पहली बार शहनाज के घर गिल रानी। तशरीफ रखे, आइए साहब, आइए अख्तर मिया, आइए 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 जनाब, आइए आइए जैसा साहब, आइए तशरीफ लाए, आइए जी आइए बैठी, तशरीफ रखी, तशरीफ रखी। सलमा जेबू आपा जी, हम अभी आवता नहीं। जैसा साहब, ये घर में आपके कदम का पड़ल, सारा घर रोशनी में नहा लेलस। सुल्तान में आ तनी संभल कर हल जाए, आपसे रोशनी मांगे आयल बानी जा। ये हमार खुश नसीबी जज साहब कि आप हमरा से कुछ मांगनी। आओ बेटी। वालेकुम अस्सलाम। रख दे आप लोग ले जज साहब। भाई अभी ये सब कुछ ना, जब तक हमनी अपने बहू के ना देख लिया जाए तब तक ये सब ना ले। जी ठीक बा। सलमा बानो जी, जरा शहनाज के ले आई। लावता नहीं भाईजान। जी अब ही आवता रही। हवा शहनाज, शहनाज इजा साहब, उनकर बेगम और ये अख्तर मियां। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। आवा बेटी। आवा बेटी। आजा। तशरीफ रखी, बैठी। बैठा। जैसा हम आपके तरह पढ़ल लिखल तो ना हैं, लेकिन अपन बेटी शहनाज के तालीम और तरबियत में कोनो कमी ना रख ली। सुल्तान साहब, ये तो सारा दुनिया जाने लेकी कि आप रिश्ता में शहनाज के बहनोई लगीला, मगर प्यार बाप के दहले बानी। और शहनाज के देखल तो एक रस्म रहे, सो देख लेनी। कहे रजिया? जी बिल्कुल, आप ऐसा समझी कि हमके शहनाज पसंद भी आ, हमनी के तरफ से रिश्ता पक्का। जी शुक्रिया, लेकिन हम अख्तर मियाँ के भी रह जानल चाहता नहीं। काहे ना? जी सुल्तान साहब, अम्मी और अब्बू की राय से हमके 100% इत्तफाक बा। जियत रहा, खुश रहा, खुदा के रहमत बरसत रहे। जस साहब, वैसे हम हैं तो पुराना ख्यालात के आदमी, लेकिन शादी ब्याह के मामले में हमार ख्यालात पुराना नहीं। हमार शहनाज पढ़ल लिखल और जदी तालीम से आ रास्ता बिया, अगर अख्तर मियाँ चाहे तो अंदर शहनाज से बातचीत कर सकेले, हमके कोनो एतराज ना होई। हाँ शहनाज, जा अख्तर मियाँ के जाके अपन कमरा दिखा दा। हाँ शहनाज, आवा जा। जी अबू हम आवता नहीं। बैठी। पहले आप तशरीफ रखी। जी आ,
बड़ा अजीब बात बाकी हमनी दोनों हाँ ना हमारा मतलब बाकी बड़ा अजीब बात बाकी हमनी दोनों अपन जिंदगी के अहम फैसला करे खातिर मिलल बानी। ये फैसला ता उम्र के फैसला होगी, साथे जिंदगी बितावे के फैसला होगी। बस हम आपसे एक ही सवाल करल चाहता नहीं, हम आपके खामोशी के इकरार समझी या इनकार। अख्तर साहब, हम आपसे एगो सवाल करे चाहता नहीं, अगर हमरा के इनकार होत तो का हम ऐजा आती? हरगिज ना, जानता नहीं, फिर भी हमरा खातिर आपके राय जानब जरूरी रहल। सच पूछी तो आप जौना खूबसूरती से रिश्ता के कबूल कर ले बानी, समझ में ना रहा बाकी कौन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करी। अब सब कुछ आप ही करिए या हमरा के भी कुछ करे के मौका दी है? जी का कहल चाहता नहीं आप? दरअसल अख्तर मियां, शुक्रिया अदा तो हमरा के आपके करे के चाहिए, जे आप हमरा के पसंद कहनी। आप सिर्फ हमार पसंद ना बल्कि सलमा आपा और सुल्तान भाई के भी अव्वल पसंद बानी। और सच पूछी था जे लड़की आपके घर जाई उकरा के आपन किस्मत पे नाज हुई। इन नवाजी शाह की इनायत था, वरना हम का और हमारा हकीकत का। वैसे अगर अम्मी के बात पे गौर कर जाओ तो वो भी गलत ना कहत रहली, जोनो कहत रहली ठीक कहत रहली। का कहत रानी अम्मी जान? अम्मी कहत रहली कि अक्सर आ तू जौन लड़की के देखे जा रहा बड़ा वो लाखों में कोनो एक बा का। अब हमार मतलब बा कि लाखों में एक बा। हाँ शहनाज, तू वाकई में लाखों में एक रह लू। अम्मी, शहनाज के मुस्कुराहट चेहरा आज भी हमरा चेहरा के सामने बा। तोहार दर्द समझ सके नहीं बेटा, लेकिन फिर भी ये बात बड़ा हैरत के बा। निकाह के रस्म से पहले जब भी हमने उनके घर गई नी, शहनाज हमेशा हमके सलीका पसंद, नेक दिल और बहुत सुलझी लड़की लागल। फिर निकाह में ओकर रजामंदी भी रहे और अचानक ठीक निकाह के समय वो खुदकुशी जैसन गुनाह काहे कैली। सच कहता नहीं बेटा, अभी तक हमार दिल मानते नहीं के कि वो खुदकुशी कैलस। मगर रजिया बेगम में हकीकत बा कि शहनाज खुदकुशी कैले बिया। ओ हमनी से ही ना आई, जहां से भी नाता तोड़ ले बिया। खुदा होकर रूह के जन्नत बख्शे, आमीन। अब दूसर चहलम भी हो चुकल बा। और हाँ, उनके यहां से आयल सारा सामान हमनी के वापस करे के पड़ी। जी सलमा, अख्तर मियाँ के वालिद और वालदीन आयल बड़े हमार शहनाज के सगुन लौटावे।
सलमा बानो जौन भाई लो के अल्लाह के मर्जी समझी। शहनाज, शहनाज हमार बहन, शहनाज हमार बहन कहाँ चल गए तू हमके छोड़ के, कहाँ चल गए रहलो, कहाँ चल गए रहलो तू हमके छोड़ के। सलमा, शहनाज, सलमा दीदी, हमार बहन संभाली अपना आपके। शहनाज ना बा, ई शहनाज ना बानी, संभाली अपना आपके। सलमा दीदी संभाला अपने आप के, संभाला अपने आप के, चुप करी सलमा दी, सलमा दी आप ही इकरे की समझाई ना। सलमा सब्र करा, सब्र करा, अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान बेबस बा, संभाला अपना आप के, संभाला। कैसे कैसे संभाली शहनाज, हमार हमार बहन ही ना, हमार बेटी रहे हो, और का का अरमान रहे हमार दिल में उकरा खातिर, हमार हमार खुदा गवाह बा कि आज तक हम ओकर मर्जी के खिलाफ हम कौनो काम ना करनी, और हमके याद देखे कि शहनाज के कबो हमसे शिकायत हो के या हमके हो से कबो ना, बाकी पता ना ऐसन कौन सा दुख रहल, ऐसन कौन सी बात रहल जे वो हम सब के छोड़ के चल गए, वो हम सब के छोड़ के चल गए। मॉर्निंग, गेट बी द मार्केटिंग रिपोर्ट्स। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनु। सर इंटरव्यू 10 बजे शुरू करे के बा। ऑलराइट, अब वही 10 बजे में 3 मिनट बाकी बा। आई नो इट सर। सेंड द कैंडिडेट्स इन। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रामू। अनु, सेंड द कैंडिडेट्स 1 by 1। आप अंदर जाइए। शहनाज। गुड मॉर्निंग सर। अब अही यहाँ जो लेके आल रहे हो कहाँ गेल? पता ना सर। अन्नो। यस सर, का बात बा? अन्नो भाई भाई जो लेके यहाँ आल रहे कहाँ गेल? कौन सी लेकी? अनु जे के तो भाई भेजले रहलु अंदर लाल ड्रेस में। सर ये बाऊ लेकी हम ए के भेजले रानी। हेलो सिन्हा साहब। कैसन बानी अख्तर साहब? ठीक बानी भाई। आपसे जोन किताब के बारे में कहले रानी, इन सर्च ऑफ द स्पिरिट, वो आ गेल? एक मिनट। हाँ सर्च ऑफ स्पिरिट शायद आ गेल बा, हम देखा था नहीं सर। यस, हम अभी आवता नहीं अख्तर साहब।
तनी इंतजार करी हम अभी आवत तनी। टेक योर टाइम। रहल आपके किताब। शुक्रिया। सॉरी अख्तर साहब, आपके वेट करे पड़ल। हम अभी है आपका किताब लेके आवा तानी। किताब तो हमके मिल चुकल। आप खुद ले लेनी? ना ना, कोनू लेकी लाके देलस। लेकी देलस? अख्तर साहब, हम दोनों के अलावा और केहू बाना और लेकी किताब लाके देलस? कहा? शहनाज, शहनाज, ये तू का कहत बड़ा अख्तर? जी अम्मी, बिल्कुल सच कहता नहीं। ना ना अख्तर, ये मुमकिन ना। जरा सोचा, दुनिया से एक बार जाए वाला कबो वापस आवे लेका? बेटा, ये केवल तुहार वहम बा। अब हम आपके कैसे समझाएं, कैसे यकीन दिलाएं? चलो मन्नी जी के ऑफिस में हम देख ली, वो हमार वहम हा। लेकिन ये किताब लाइब्रेरी में वो खुद हमके दिलस। इन सर्च ऑफ द स्प्रिट, एकर मतलब बा तो कि हर लड़की के सूरत में शहनाज नजर आवेली? ना अम्मी। बाकी बेटा, तुहार कसूर नहीं खे। शहनाज रहे ही ऐसन लड़की, इतना हसमुख, खुश दिल, सबके दिल जीत लेत रहे। ओके भूलल ना मुमकिन बा। हमार भी बहुत अरमान रहे। वही घर में आई, ओकर पाजेब के जानकार से ये पूरा घर गूंज उठी। अख्तर, अख्तर, ये पाजेब की जानकार कहां से आवत बा? पाजेब की आवाज ना तम्मी का? तो क्या आवाज सुनाई नहीं खेदित? नाता कहा कहत बड़ा? शहनाज, 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 का बात बा अख्तर? अम्मी शहनाज, शहनाज, का अम्मी शहनाज, ओ शहनाज,
अख्तर अपने आप के संभाला। अम्मी वो यही रहल, अब आई यही दिखाई दे रहल। यह केहू नहीं के तो के गलत फहमी होत बा। अम्मी हम बिल्कुल सच कहा था नहीं कि शहनाज यही बा। शहनाज 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 अख्तर अबू अबू शहनाज आयल रहे। अख्तर तोहर अम्मा हमरा के सब कुछ बता दिली। का बता दिली? यह कि आज ऑफिस में तोहसे शहनाज मिलल और वो लाइब्रेरी में तोहरा किताब देलस। हाँ अबू बिल्कुल सच बा। और ये सब जौन होत बा का यो सच बा? जी अबू। अख्तर हकीकत ई बा कि शहनाज मर चुकल बिया और ये दुनिया में ना बिया, और तू जकरा पीछे भागा तड़ा वो तुहार वहम बा। वहम का ही सच ना बा कि तू शहनाज के जनाजा के कंधा देले रोला? तू ओकरे कब्र में मिट्टी देले रोला? बेटा ऐसन होला, अक्सर ऐसन होला कि जौन अपन अजीज होले उनकरा गईले के बाद उनकर याद अपना दिल में घर कर जाला, और हम उनके ख्याल में देखिला, ख्वाब में देखिला, लेकिन तारे साथ जौन होत बा वो हकीकत ना बा। ये सब ख्वाबो ख्याल के बात बा, ये महज तुहार वहम बा, सिर्फ वहम। भुला जा इस सब बात की बेटा, तू पढ़ल लिखल बाड़ा। अगर तू शहनाज के मौत का सदमा अपने दिल से ना निकल लो तो ही वहम दीवानगी के शक्ल अख्तियार कर सकेला। अल्लाह जा जा के कमरा में सुत जा, आप इनके कमरा में ले जाइए। आओ बेटा, ओके अपन जहन से निकाल दा बेटा, होकर इंतकाल हो चुकल बा, केहू के चल गईला से जिंदगी फना ना हो खेले। बेटा कम से कम अपन अब्बू और अम्मी के ख्याल तो रखा। अम्मी अरे भाई रजिया, तनी हमके एक गिलास पानी दे दी। का अख्तर सुत गईल? भाई हम तो उम्मीद करता नहीं कि इतना समझौला के कुछ तो असर हो ओकरे पर। कुदरत के कोनो ऐसन करिश्मा होखे कि शहनाज के याद ओकरा दिल से एकदम निकल जाए, या फिर हम सोचा तानी कि शुक्रिया तनी हमार दवा ला दी कि हमारी केस खत्म होते ही हमने कोनो हिल स्टेशन पे चल जाल जा। अख्तर मियाँ भी वहीं साथ हुई हैं तो मुमकिन बा कि वहां के आबो हवा से उनका दिमाग बदल जाए, और फिर यहां से वो दूर रही हैं तो शहनाज के उनके ज्यादा याद। ये अकेले केकरा से बतियाता नहीं रहुआ? अरे भाई आप ऐसे बात करता नहीं हमरा से। लाई हमार दवा कहाँ बा? दवाई कब मंगनी रहुआ? अरे भाई जब आप पानी के गिलास रख गए नहीं तब आपसे कहनी दवा लावे के? गिलास हम रखनी? हम तो अभी आवतानी कमरा में। अबे यही लू
ई पानी के ग्लास यहाँ के रख गए। मत रोआ सलमा, मत रोआ। रो रो के तू का हाल बना लहलू अपन। अपना आप का संभाला सलमा। एक शहनाज के गम का कम बा हमरे खातिर। तुहार हाल देखे कलेजा कापे लगल बा हमार। खुदा के वास्ते रोक लाई आसुन के। हम का करी, का करी हम। हवेली के जौना कोने पर हमार नजर पड़ेला। हमके हर जगह शहनाज की सूरत नजर आवेले। लागेला वो ये मौजूद बिया। ए तुहार मोहब्बत और शफाकत के असर बा सलमा। हम जाना तानी कौना कदर प्यार करत रहलू तू ओकरा से। हम हाँ कम प्यार ना कहनी ओकरा से। ओकर मौत का गम था ए जिंदगी के साथ है जाई। पर हम तो के ई हालत में ना देख सके नी। सुल्तान भाई, हमार एक बात माना था, सलमा दी के आप यहाँ से कहीं दूर ले जाई। ना, हम ही हवेली छोड़ के कहीं ना जाई, कहीं ना। और रहल रोवे के सवाल, तजेबू हपा, रोवल तो अब हमार मुकद्दर बन गईल बा। सुल्तान, हमें हवेली छोड़ के कहीं ना जाब। आप हमके हमार हाल पे छोड़ दी, हमके हमार हाल पे छोड़ दी। सलमा, मत रो सलमा, मत रो। शहनाज, बार बार जोन सवाल हमरा जहन के परेशान कर रहल बा, उहे सवाल हम तोरा से पूछे हल पानी। काहे कैलू तू ऐसन शहनाज, काहे कैलू तू ऐसन। हम जहां भी जाइला लोगन के सवालिया नजर हमरा पे उठेला, और जवाब में हम शर्मिंदा हो उठे नहीं। कहे कि इस सवाल के जवाब सिर्फ और सिर्फ तोहरा ही पास बा। शहनाज, का खतर आल हमार, का कसूर आल हमार। कौना गुनाह का सजा तू देले बाड़ू हमरा, कौना गुनाह के। शहनाज, जब तक हमके हमार सवाल के जवाब ना मिल जात, हम वादा करता नहीं। हम हर रोज ए जाए और यही सवाल तोरा से बार बार दोहराए हर रोज। शहनाज, कहे कहे खेलू तू ऐसे। कहे खेलू
अभिनंदन शहनाज बानो बिनतेद मरहूम तारिक अली बेग, आपके निगाह अख्तर महमूद इब्ने अख्तर तारिक महमूद के साथ बेवजह मेहरे मुअज्जल 5 लाख सिक्के राजुल वक्त 2 गवाह वकीलन की मौजूदगी में आपके निगाह में देले का आप कबूल कैली? आप कबूल कैली? आप कबूल कैली? बोला शहनाज, बोला शहनाज। शहनाज, शहनाज, हाँ अख्तर, हम शहनाज, इससे पहले भी तू नजर आई लू, फिर अचानक गायब हो गई लू। हम जिकरा से भी कहनी कि हम तोरा के दिखले पानी, सब उकरा के हमार वहम करके टाल दे ले। ना अख्तर, हम तो हर वहम ना हकीकत बनी। हाँ ई बात सच बा कि अब हम जिस्म ना सिर्फ एगो रूप बानी। यही सवाल तो हम तोरा से करल चाहता नहीं। काहे कैलू तू ऐसन, काहे तू कैलू खुदकुशी? ना अख्तर, हम खुदकुशी ना कैनी, बल्कि हमरा के मार दिहल गई, हमार कत्ल कर दिहल गई। कहा? हाँ, और यह सच्चाई बतावे खातिर आज हम तोहरा पास आई नहीं। हाँ कैसे सच्चाई शहनाज? अख्तर, हमार मौत के बाद जो गोलियन की सीसी हमार हाथ में पाइल गई, वैसा ही जहर हमार शरबत में मिलाई गई रहे। शरबत में जहर? हाँ, और ये काम तब भइल जब हम अकेला रहनी, हमार आसपास केहू न रहे। तब जेबू अपा शरबत के गिलास लेके हमार कमरा में आई नी। एकर मतलब? ना अख्तर ना, इतना जल्दी कोनो नतीजा पर मत पहुंचा। अख्तर, आज जे बात हम तोरा से कहे जाता नी, अगर ई बात हमरा के आपन जीते जी पता होता। खैर, हमार कत्ल के साजिश के सिलसिला उ दिन से शुरू भइल जौना दिन डॉक्टर साहब। सुल्तान साहब, आप आई हमारे साथ। डॉक्टर साहब, फिक्र कहते कोनो बात नहीं खे? देखी, जितना हमारे बस में रहे हम कहीं नहीं, लेकिन अब दवा के वक्त जा चुकल बा, अब इनकरा के दुआ के जरूरत बा, हम चला था नहीं। अबू जान, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अबू जान। शहनाज, हमार जान, हमार लड़ली बेटा, बस इंसान यहीं आके मजबूर हो चला बेटा। सुल्तान कहीं मामू जान, अब सफर खत्म होके के बस सुल्तान। ऐसे मत कहीं मामू जान, ऐसे ना कहीं।
सुल्तान, अब हमारा पास अब वक्त बहुत कम बस सुल्तान। मामू जान हाँ पे हमने की जिंदगी के समर ले बानी। यतीम के अपना सीने से लगा के पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, अपन बेटी सलमा के हाथ हमरे हाथ में देनी। हम जन कुछ भी बानी मामू जान, आप के बदौलत बानी। न सुल्तान, अब तू जोन कुछ भी पढ़ा में तो हर मेहनत और अल्लाह के करम शामिल बा। सुल्तान, बस हम एक जिम्मेदारी तो हर कंधा पे डालता नहीं। अब शहनाज अब बच्ची बा, बहुत छोट बा, हम कर बहुत प्यार करेली सुल्तान, बहुत प्यार करेली। ओके संभाल लिया तू सुल्तान, जैसन की तू जाना थरब। हम भी दोनों बहन के खाते बहुत कुछ छोड़ ले पानी। हम अपना वसीयत में शहनाज के हिस्सा अलग कर दे ले पानी, मगर तू ओकर ट्रस्टी गार्डियन भाड़ा। देखिए सुल्तान, अमार शहनाज के ओकर हक क्यों भी छीन ना सके। आप फिक्र ना करें मामू जान, जब तक आपके खादिम जिंदा बा, हम केहू के हक मारे ना देब। नहीं। बिटिया सलमा, बिटिया अमरा, करीब आवा। अब्बू, मामू जान, मामू जान, अब्बू जान। और उकरा बात, सलमा आपा हमरा खातिर माँ बन गई नी, और सुल्तान भाई बाप की जगह ले लेनी। उ हमरा के पढ़ाई नी लिखाई नी, हम बड़ हो गई नी, कई जगह से हमरा खातिर रिश्ते आई लागल, पढ़ा लिखा शरीफ और अमीर घराना से। पर पता ना का बात रहे के सुल्तान भाई उ सारा रिश्ता के ठुकरावत रहे। एक दिन बड़ा हैरत के बात बा, शहनाज खातिर जितना भी रिश्ता आयल तू सब के ना मंजूर कर देले। का तोहार इरादा शहनाज के कुंवार रखे के बा? ना सलमा, ऐसन कोनो बात नहीं के। तो फिर का बात बा? अरे याद नहीं के तोहरा के का बोले रानी हम मामू जान के? अरे हम अपने वादा से कैसे फिर सके नी, अल्लाह कोनो औलाद ना देले कर गम ना बा हमरा के। शहनाज ही हमारा अपन औलाद की तरह बिया, लेकिन ओकर भलाई बुराई के हम जिम्मेदार बानी, ओकर बुरा हम सोच भी कैसे सके नी। सलमा, ये जितना भी रिश्ता आयल ना, हमरे नजर में उनमें से एक भी हमार शहनाज के काबिल ना रहे। हाँ हाँ, हम जाना तानी कि आप शहनाज से बहुत मोहब्बत करेले, बाकी हम भी तो ओकर बड़ी बहन हई, हम कुछ नहीं की जानत। हमार शहनाज के निकाह जल्द से जल्द हो जाए के चाही। सुल्तान भाई, जज आरिफ महमूद आपन बेगम के साथ हमनी के घर तशरीफ लेनी है। का जज साहब? सुल्तान, ये जज साहब हमनी के घर काहे आइल बड़े, और वो भी अपना बेगम के साथ? ये तो हमरा खातिर बड़ा हैरानी के बात बा। जेबू आपा, आप नाश्ता पानी के इंतजाम करी। जी, आप आए हमरे साथ, चले। अस्सलाम वालेकुम जसा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप भाई हमार बेगम? आदाब अर्ज है।
आदाब। आप हैं सुल्तान साहब और इनकर बेगम। जी तशरीफ रखें। शुक्रिया। जा साहब खुद आके गरीब खाना के रौनक बख्श में हमने कभी सोचले ना रह लीजा। ना सुल्तान साहब, हमने ई घर में आके ई घर के रौनक ना बढ़ोले बानी जा, बल्कि हमने ई घर के रौनक के तलाश में आल बानी जा। जी हम कुछ समझ नहीं ना। सुल्तान साहब, अल्लाह के दुआ से हमनी के बेटा अख्तर महमूद मियाँ कंप्यूटर इंजीनियर बन गए बाड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा मुसलसल तरक्की बख्शे उनके। और अब हमनी उ रौनक के बात कैल जाओ जो नहीं घर में बिया, उ जहाँ भी जाए रोशनी ही रोशनी बिखेरी। जी भाई, हमार मुराद नूरे चश्म शहनाज से बा। अभी ना कहल जाए कि ओकरा खूबसूरती के बारे में हमके कैसे पता चलल। देखी मुश नजर तो ना आवेले, लेकिन ओकर खुशबू हर जगह फैलेला। का भेल सुल्तान साहब? जी दरअसल हमके अपने कान पे यकीन ना आवता। हम कोनो गलत बात कह देनी? ना जा साहब, आपके इतना ऊंचा घराना, आपके नाम, आपके रुतबा हम का और हमने क्या औकात का। भाई सुल्तान साहब, जहां तक जर्फ और खानदान का सवाल बा, आप भी इस शहर में केहू से कम नहीं खे। और फिर हम शहनाज के अपने घर के बहू बनावल चाहता नहीं। हाँ, अगर आपके हमरे साहबजादे के बारे में कुछ मालूमात करे खोके तो ऊ करके आप अपना दिल के तसल्ली कर ले। जी बात नहीं खे। हम जाना थी सुल्तान साहब कि शादी ब्याह के मामला इतना जल्दी तय ना हो खेला, पर फिर भी हमके आपके जवाब का इंतजार रही। अच्छा भाई, अब हम नहीं चलाता नहीं। ये कैसे हो सकेला जस साहब, आप पहली बार भाभी जान के साथ गरीब खाने पे तशरीफ ले ली, बगैर कुछ खाई ले ना जा सके नहीं। भाई अब भाई नाथ सुल्तान साहब, एकरे खातिर हमने कोनो खास मौका देखल जाए। ठीक, अभी हमने चलल जाए। आई जी बेहतर, आई आपके हम बाहर छोड़ देता नहीं। खुदा हाफिज। शहनाज, अरे जेबू आपा, आप ऐजा कहीं खड़ा वानी, ऐजा ही ना। आपा ऐसे कहीं देखता नहीं, आप देखता नहीं कि हमार बेटी कितना खुश बाड़ी। हाँ जेबू आपा, आज हम सचमुच बहुत खुश बानी। का आप खुश नहीं की? अब हमार खुशी के का कदर और कीमत। ई का कहता नहीं आप पापा, सची तो कहता नहीं हम। ई घर में खुशी तो ऊ वक्त तक बा, जब तक के तू ई घर में बा। तोहार जाए के बाद न जाने का हुई, केहू और का तो हम कुछ ना कह सके नहीं, मगर सुल्तान भाई। सुल्तान भाई, हाँ जैसे जैसे तोहार शादी के तारीख करीब आवता, सुल्तान भाई ऊपर से तो खुश नजर आवता रे, मगर लगता अंदर अंदर उनकरा के कोनो गम खाए जाता। जीबू अप्पा। हाँ शहनाज बेटी, हम जाना था नहीं सुल्तान भाई के, वो तोहरा से कितना प्यार करे नहीं। तोहरा जाए के बाद जाने उनकर का हाल हुई। एक बात बताई, तू सिर्फ अपन खुशी के बारे में सोचनी, सुल्तान भाई के बारे में जरा भी ना सोचनी। काहे ना सोचनी जबू आपा, जितना प्यार ऊ हमरा से करेनी उतना ही प्यार हम भी उनकरा से करेनी। ता अब भी वक्त बा, का तू इस शादी से इनकार ना कर सकेलू? शादी से इनकार कर दई? हाँ
ई शादी से इनकार कर दा, मत छोड़ के जाई घर के। जीबू अपा, ई आप हमरा से का कहे चाहता नी? ई शादी से इनकार कई के हम हमेशा खातिर ई घर में रह जाई? हाँ हम ये कहे चाहता नी, मत करी शादी, मत छोड़ के जाई घर के, तो हमेशा खातिर ई घर में रहा, सुल्तान भाई से शादी कई के। आपा का कह देनी आप, सुल्तान भाई सिर्फ हमार बहनो ही ना, हमरा खातिर हमार वालिद की तरह बाड़े। का कोनो लड़की अपन वालिद से शादी करी? ना ना शहनाज बेटी, कितनी गिरी हुई और गलीज बात कहनी है आप हमरा से। और हम ई जाने चाहता नी कि ई बात आपसे के कहल वालस, सुल्तान भाई ना? ना ना ई बात सुल्तान भाई ना कहनी, ई तो हम अपन तरफ से कहता नी। का जेबू आप जाना था नी, हमार दिल में आपके खातिर कितना इज्जत रहे, मगर आप जे कुछ भी हमरा से कहनी ओकरा बाद आप हमार नजर से ई तरह गिर गई नी है कि हाय अल्लाह शहनाज हमरा के माफ कह दा, वो तो हम गलती से कह देनी। शहनाज शहनाज हमरा के माफ कह दा, हमरा के माफ कह दा, हम तो अनजाने में ही कह देनी, वो तो सुल्तान भाई के हम उदास दे के बदहवासी में कह देनी। अल्लाह जाना था कि हम जात मुठ के ना कहनी, हमरा के माफ कह दा। शहनाज बेटी, जेबू आपा अगर आपकी जगह ई बात कही और कहलस होतना तो हम ओकरा के कबो माफ ना करती। अरे ऐसा मत कहा, अल्लाह जाना था कि हम ई सब जानबूझ के ना कहनी, वो तो गलती हो गई, हमरा के माफ कर दा, हमरा के माफ कर दा बेटी। उठी, ठीक बा, हम आपके माफ कहनी, हम ना जाना था नहीं कि कौन जज्बे में आकर आप हमरा से ई बात कहनी हा, लेकिन एगो बात याद रखी। कहा बेटी? भूल जाए कि आप ऐसा कोनो बात हमरा से कहले भी रानी, कहे कि ई बात के भनक भी सलमा आपा के लग गल था। ना ना तू फिकर मत करा, ई बात के पता कहो के भी ना चले, तू हमरा के माफ कर देलो, यह सब कुछ हो गई, हमरा के माफ कर दा। का बहल? सुल्तान भाई समझला कि आफत आता टल गई। का कहला सु? ओकर आग से तो अंगार बरसे लागल रहे, शेरनी की तरह टूट पड़ल हमरा पर। अच्छा भल की हम ओकर कदम में गिरकर ओकरा से माफी मांग लेनी, वरना ऊ तो हमार आज खूने पी जात। तई चिंगारी शोला बन गेल बिया। शोला ना, ज्वालामुखी बन गेल बाऊ। एक बात कही सुल्तान, तू ई काम में बहुत देर लगा देलस, जब तक शहनाज की रिश्ता तय ना भइल रहे ना, ओकर दिल एगो कोरा कागज के जैसन रहे, मगर अब ओपर अख्तर मियाँ के तस्वीर छप गई बा, अब तो ई घर में खुशी के सहनाई बजी, ढोल बजी, मेहंदी लगी, और शहनाज दुल्हन के लिवाज में तोहरा से गला मिलकर ई घर से विदा हो जाई। खुद तो रोइबे करी, मगर जात जात तोहरा के भी रुला के जाई, ई घर से अपन हिस्सा के आधा जायदाद और आधी दौलत लेके। हाँ जेबू आपा, ओकर हिस्सा तो ओके देवे ही के पड़ी, मामू जान के वसीयत तो पूरा करे ही के पड़ी। देखा जेबू आपा, अगर हमनी वसीयत के जिक्र ना करी तो फिर ऊ वसीयत के जिक्र सलमा दीदी करी, और फर्ज करा अगर सलमा भी खामोश रहल तो फिर शहनाज अपन हिस्सा खुद मांग ली, जानत नहीं खे की घर में जाता रही हूँ, ओकर ससुर जजबा। ना जेबू आपा, हम कौनो भी हालात में उस जायदाद के पटे ना दे। तो फिर का कर ले हैं आप? एक आखिरी कोशिश, अब तो बस एक का रास्ता बचल बा, आखिरी रास्ता। भाईजान, शहनाज तू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं बाहर से आवत नहीं? हाँ, ये कब आ? दवाई के सिसी हो। किकरा खातिर? जेबू आपा के खातिर। काहे का भेलो उकरा के?
तबे ठीक ना रहला नौकर। हमसे छुपावे के आदत है, तोरा के पता बा। हमरे से बा केहू ना बा उनकर रही मारे उनका डॉक्टर। भाईजान ऐसन का बात बा। अच्छा लाई हम उनकरा के दे दे। ना ना हम तो जाते रहनी। भाईजान दीना दीना अच्छा सुनी, उनसे कहल जाए कि कील सुल्तान भाई भेजवे बाड़े। कह दे जेबू आपा। जेबू आपा। हाँ शहनाज। जेबू आपा आप भी कमाल के बानी, जाए हम हमसे बात ना करेनी। कहे का कही नहीं हम, आप बीमार बानी और आप हमरा के बतावे जरूरी ना समझनी। हम बीमार? हाँ सुल्तान भाई हमरा के सब बात बता देनी है। हाँ अब का करी, थोड़ा नरम गरम बा हमार तबियत, लेकिन आप हमरा के ई बताब जरूरी ना समझनी। अब एमे का बतावे के बा बेटी। खैर छोड़ी, ई आपके दवाई बा। सुल्तान भाईजान हमरा के आपके देवे खातिर कहनी हा, लेकिन ई दवाई आप अभी हमरा सामने खाई है। ना ना ई दवाई हम कैसे ले सकेनी। हमार मतलब बा कि अभी कैसे ले सकेनी। ई दवाई तो खाना खाए के बाद लेवे के पड़ी ना। खाना खाए के बाद ले लेब हम। पहले आप वादा करी पक्का दवाई ले लेबू। हाँ ले ले पक्का, वादा करी पहले। वादा ठीक बा, ई ले। शरबत बा आपा, पकड़ी है के पकड़ी आपा, और सीसी में जहर के गोली बा, और ये काम बड़ा होशियारी से करे के पड़ी। हमार ता हाथ पर का पता नहीं। ना जेबू आपा ना, अपना दिल पे पत्थर रख के ये काम करे के पड़ी। जैसे हम कहले बानी वैसे न करी। जाइए आप। सुंदर लागत भैया। माशाल्लाह खुदा के नूर बरसता एकरा पर। अरे चला लेकिन बारात आ गई। अरे चला चला चला। अरे चला 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 बारात आ गई। चला चला। अरे संभल के संभल के। चला। हाय हमार बेटी, दुल्हन के लिबास में तब बहुत ही सुंदर लागत आरु। बहुत थक गई हो ना सुबह से। इला शरबत पीला, तोरा के राहत मिली। शुक्रिया आपा। आप नहीं तू पीला। जी हमके कबूल बा, जी हमके कबूल बा, हमके कबूल बा। मुबारक हो अख्तर मियां, मुबारक हो। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो भाई जान।
बोला शहनाज। बोला शहनाज। 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 अन्ना। शहनाज। 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 कहाँ है? शहनाज। 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 और अकराबाद जे कुछ भी भइल ऊ तो आप अच्छा तरह से जानेनी। यह ख्वाब में भी ना सो सकेला कि सुल्तान भाई और जेबू आपा मिलके तोहर कत्ल कर दी हैं। हाँ, लेकिन ऊ दोनों ही हमार कातिल बाड़े। कौना नजरिया से हम देखा था नहीं ऊ लोगन के? अख्तर का खून के रिश्ता ही रिश्ता होला। अरे जब इंसान एगो जानवर के पालेला तो ओसे भी ओकरा के मोहब्बत हो जाली। ऊ तो अपन पालतू जानवर के भी जहर न दे पावेला, पर ई लोग तो इंसानियत के सारा हद तोड़ देने वाले। मगर कानून के हद के ना तोड़ पाई हैं ई लोग। हम बात कर अब्बू से। अख्तर अब्बू उनकरा के का बिगाड़ ली है? का सबूत बा? का सबूत बा ई बात के कि सुल्तान भाई और जेबू हमार कत्ल कई नहीं हा? की गवाही दे ना अख्तर? कानून उनकर कुछ भी ना बिगाड़ सकेला। तोहर मतलब है कि तोहर कातिल इसने आजाद घूमत रही हैं? कौनो सजा ना मिली उनके? सजा मिली अख्तर, सजा तो जरूर मिली। ये खातिर हम तोरा के सारा सच्चाई बताई नहीं हा। लेकिन सहनाज बगैर सबूत और बिना गवाह के हमने उनके कैसे सजा दिलाई? सबूत हम दे अख्तर, हम अपन कत्ल के खुद गवाह बनी और ऊ दोनों अपन जुर्म के इकरार खुद करी है। लेकिन सहनाज कैसे करी है? हम बता बता नहीं तोहरा के कैसे। तू अपन अब्बू के पास जा। जी अब जज साहब आप? हाँ सुल्तान साहब। आदाब अर्ज़। आदाब। काहे सुल्तान साहब, का हमनी आपके घर ना आ सके? नी ना ना जस साहब, ऐसन कोनो बात नहीं है। आई आई तशरीफ लाई आई। जी तशरीफ। शुक्रिया। जस साहब, जब पहले आप लोग ये घर में आयल रहनी था शहनाज का रिश्ता। शहनाज हमरा मुकद्दर में ना रहल। बाकी हमके लागत बा कि आप लोगन से हमनी के रिश्ता आज भी कायम बा। बहुत अजीम और नेक इंसान बानी आप। कहीं का खिदमत कर सके नहीं आप लोगन के? आदाब। 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 कैसन बाड़ू सलमा? कहीं का खाती रहनी है? दरअसल हमने आपसे कुछ मांगे आयल बानी जा। जस साहब ही आपका कहता नहीं, खुदा के कसम जान मांग के देखी। ना सुल्तान साहब, अब बड़ी अब आप कहें इनकरा से। सुल्तान साहब, दरअसल अख्तर खातिर हमनी एगो घर में रिश्ता भेजले रहनी। वैसे तो लड़की वालन के रिश्ता कबूल बा, लेकिन लड़की देखे के रश्म अदायगी अभी तक ना भइल बा। दरअसल बात ई बा कि उनकरा घर में एगो मौत हो गइल बा, यही से लड़की वाला चाहेले कि लड़की हमने उनके घर के अलावा कहीं और देखी। तो यही खातिर हमने के आपके ख्याल आयल कि अगर हमने लड़की के यही घर में देखल जा तो यही बहाने आप लोगन भी देख लिया जाई। जैसा भी घर आपका बा,
शुक्रिया सुल्तान साहब, अब बस एक छोटा सा तकरीब हुई और हमें कुछ कम लोग हुई हैं, लेकिन हमें खास लोग तकलीफ खातिर माफी चाहता नहीं। हमें तकलीफ कैसे जज साहब, आप तो हमने के शर्मिंदा करे पे आमादा बानी। ये तो हमारी इज्जत अफजाई हुई। तो ये तय रहल की रस्म कल रात के ही हुई। जी बेहतर बा। आए कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। ये हमारे दोस्त माने सतीश कुमार। आदाब। आदाब अर्ज़ है। जी आई, तशरीफ रखी। आई आई आई। जी वाकई आपसे मिलके बहुत खुशी भइल। आई वर्मा साहब, तशरीफ लाई, तशरीफ रखें। शुक्रिया। सलमा कहाँ बड़ी? कहीं का लेवल जाइए आप लोग। घर तो आपके बा सुल्तान साहब, बाकी खिदमत आज आपके हम करब। हमके तो इंतजार बा बस ओके जेके हम। अरे ये बिजली कैसे चल गई? या अल्लाह। जेबू आपा, जरा मोमबत्ती लाई। जेबू आपा तने शरबत भी लाई। शे उहे शरबत जो उरा थमरा के पिलाइल गई रहे। शहनाज, शहनाज, ना शहनाज, शहनाज हमारे पास बताओ। कहाँ बात तुहार हूँ साजीदार, जे हमरा के उरत शरबत में जहर मिला के देलस रहे। बुलाओ ओकरा के। ना। बुलाओ ओकरा के। जेबू आपा, जेबू आपा। जेबू आपा। काबिल सुल्तान। शहनाज तू? हाँ जेबू आपा, हम उ आपे रहली ना जे उरात हमरा के शरबत में जहर मिला के देलस रहे, जेकरा वजह से हमार मौत भइल रहे। सुल्तान, ये तू रहले? तू जे बजात के हाथ हमार बहन के जहर पिलवा के मरवा देला? सलमा पा, आप कुछ मत कहीं, ये दोनों तो हमार मुजरिम बा। जब तक हम जिंदा रहनी, जिस्म रहनी, ये खातिर कमजोर रहनी, लेकिन अब हम एगो रूह बानी, जिस्म के कैद से आजाद। अब हम कमजोर ना बल्कि सारा ताकत के मालिक बानी। अब हम जे चाहिए वो कर सकेनी। ना ना शहनाज, हमरा के माफ कर दा। ना ना शहनाज, हमने गुनाह कहले बानी, हमने गुनाह कहले बानी, हमें कबूल करता नहीं। शहनाज अपन रिश्ता के वास्ता भाई हमके माफ कर दे। गुनाह कहनी हा तो सजा भी भुगते के पड़ी। हमके माफ कर दे। बस हम इतना जाने के चाहता नहीं कि आखिर तू लोग ऐसन काहे कहले। मामू जाने थे काल के पहले
अपने वसीयत में जायदाद तू दोनों बहन के नाम कर्जा ले रहना है। तुहरे निकाह के बाद ये आधा जायदाद तुहार हो जात। एक खातिर जेबू तू बतावा, ये खातिर सुल्तान के कहले पर हम तोरा के जर देनी? हाँ सुल्तान, कई सच कहा तारी? सच बा, तई सच बा कि तू दोनों ही हमार कातिल बाड़े। अख्तर, हम जानता नहीं कि तू हमरा के जी जान से चाहला सा, लेकिन ई बात की अफसोस रही कि हम दोनों मिल ना पाईनी। शहनाज, ई मत सोचिया भूल जाइब हम तोहरा, दूर रहकर भी चाहिब तोहरा। अगर शोहर बन के रास ना आईब तो अजनबी बनकर भी याद आईब तोहरा। शुक्रिया अख्तर, हमार काम हो गई। आप सबके भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। कमिश्नर साहब, ये दोनों बज्जात अपन जुर्म कबूल कर ले बाड़े। कमिश्नर साहब, इनके इनकर गुनाह के सजा मिले के ही चाहिए। आप दोनों चलिए हमरा साथे।